गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो होशो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। बर्मिंघम में पाकिस्तानी सफारतखाना के जेरे एहतमाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 70 साल आज़ादी के जश्न का आगाज तनसाजी के जाज़बे नज़र मुकाबलों से किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ साथ दीगर मजाहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। 70 साल जश्न आज़ादी की शुरुआत बैनल मजाहब हम आहंगी, रवादारी और अमनो मोहब्बत के खूबसूरत पैगाम से की गई। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान सैयद अहमद मारूफ, वाइस कौंसल जनरल मियां अजमत फारूक, मेहमान खसूसी लीडर ऑफ द बर्मिंघम सिटी कौंसल कौंसलर जॉन क्लेंसी ने पाकिस्तानी आवाम को 70 साल आज़ादी के जश्न की मुबारकबाद पेश करते हुए मस्बत सरगर्मियों के फरोग के लिए इत्तफाक व इत्तेहाद और यगानगत का पैगाम दिया। इनका कहना था कि जवांसाल अफराद का ये मशगला सेहतमंद सरगर्मियों का पेश खैमा है, जिससे इंसान बीमारियों से महफूज रहते हुए तरोताजगी का एहसास रखता है। Congratulations. Big round of applause.
हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 70 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान बाय ऑर्गेनाइजिंग दिस आज़ादी क्लासिक बॉडी बिल्डिंग टूर्नामेंट। आज के इस प्रोग्राम के दो मकासद हैं बुनियादी तौर पर, एक तो ऑफ कोर्स के टू सेलिब्रेट पाकिस्तान 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड यूके पाकिस्तान बायलेटरल रिलेशंस 70 ईयर्स ऑफ आवर बायलेटरल रिलेशंस, ये तो एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ जो हम कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा मैसेज हम भेज रहे हैं इंशाल्लाह इस इवेंट के ज़रिए, वो ये है कि तमाम कम्युनिटीज़, डाइवर्स कम्युनिटीज़, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, कलर और क्रीड और बैकग्राउंड और रेस, हम सब यूनाइटेड हैं as one community in Birmingham. I'm John Clancy, I'm leader of Birmingham City Council, and today in the town hall we have quite an event. It's been organized, it's the Azadi Classic. It's been organized by the Consul General of Pakistan as part of the 70th anniversary celebrations of the Islamic Republic of Pakistan. I'm absolutely delighted to be here. It's just one of those great events that brings people together, and it's going to be a great day. Consulate of Pakistan ne hamesha se ye koshish ki hai ki is tarike ke events tartib diye jaye jisme na sirf apni pakistani community jo hai wo badh chadh kar hissa le balki ek wider British community bhi usme participate kare. Ab bodybuilding aur fitness competition jo ke UK mein ek bahut hi maqbool खेल है, इसके हमने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया और हम खुशकिस्मती से ये कहना चाहेंगे कि हम खुशकिस्मत हैं कि हमें इस सिलसिले में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग और यूके फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग का तआवुन हासिल है। आज़ादी सेलिब्रेशन क्लासिक जो कि एक यूके क्वालिफायर डिक्लेयर किया गया है, इसका मतलब यह है कि जो इसमें कंपटीशन में जीतेंगे वो यूके के लिए क्वालिफाई करेंगे नेशनल लेवल के जो। Oh, folks, this is William Tierney of the UKBFF, also the General Secretary of the IFBB, here at the Azadi Classic here in Birmingham. This is the first event which is held with the cooperation of the Pakistani Embassy in celebration of 70 years of independence. The UKBFF is happy to be here in Birmingham, and we're very, very pleased with the turnout today. A lot of good competitors, and I wish them all the best, and I hope everybody is enjoying the event. I would like to congratulate the Pakistan Consulate Office here in Birmingham, who are marking the 70th birth of Pakistan in a such a fabulous way that they are highlighting the culture, arts and heritage of Pakistan, and also that Pakistani youngsters are also committed to sports. Mukhtalif muqablajat mein naujawanon ne apne johar dikhaye, tandurusto tawana badan ki salamat aur khoobsurti par shaikeen dade tehseen dete hue dikhai diye. ये माशाल्लाह बड़ा सक्सेसफुल शो है इन अ वे के पाकिस्तान की हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तमाम कम्युनिटी की इधर प्रेजेंटेशन है, इधर बांग्लादेशी लड़के कम्पीट कर रहे हैं, इधर कॉकेशियन बैकग्राउंड के लड़के कम्पीट कर रहे हैं, इधर इंडियन बैकग्राउंड के लड़के, सारी कम्युनिटी की प्रेजेंटेशन, तो ये विन विन सिचुएशन है और यही हम चाह रहे थे और यही। Hi, my name is Martin Davies. So I'm one of the officials and judges and assisting Mr. Masoom Butt with the UKBFF Azadi Celebration Classic here in Birmingham. We're looking forward to welcoming competitors from all over the country, from all different races, religions and backgrounds to the event, and we hope you have a good day with it. कहना चाहूँगा कि ये UKBFF और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसमें हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरह से यंगस्टर्स हैं जो भी हैं उनको पाकिस्तानी स्पोर्ट्स को और हर तरह की स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहिए और आगे बढ़ चढ़ के अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए। आई फील रियली रियली प्राउड कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ आज जीता हूँ और बस आप लोगों की दुआ चाहिए। आज़ादी कंपटीशन में पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। SM इरफान ताहिर, वर्ल्ड न्यूज़, बर्मिंघम।